कि कंफ्यूजन बहुत अटल हो गई। वो भाई साहब देखते रहे, बाद में आए पीछे, कोई चारा नहीं मिला, हम पे चिपका दिया। मैं भी कोई और चारा भी नहीं था सर, एक सामने आप ही थे, हमने कहा कि लगा दे। एंड ही एनकरेज्ड अस द होल टीम, दैट वाज द फर्स्ट मुलाकात जिसमें अटल जी आए और हमको छू के चले गए। उसके बाद मुंबई बहुत कमाल की कमाल का शहर है। इसमें कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि आप अपने आप को पाते हैं एक ज्यूरी का जज। मुझे स्क्रीन अवार्ड्स में एक जज की हैसियत से बुलाया गया। मैंने उनसे पूछा, मैंने तो संगीत भी नहीं सीखा है, तो आपने मुझे जज क्यों बना दिया है? बोले इसीलिए बुलाया क्योंकि आपने संगीत नहीं सीखा और आप गाते हैं। धन्यवाद। उसमें कैसेट का जमाना था माया जी, और हमको कोई 250-300 कैसेट दी गई थी, क्योंकि हमारे डीएनए में ईमानदारी है। और हमने एक एक कैसेट को सुना, एक एक गाने के ऊपर उसको 10 में से नंबर दिए। एक कैसेट अचानक आ गई हाथ में, जिसको सुनता 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 मैं दमन की तरफ निकल गया। इतनी शानदार कैसेट थी, जगजीत साहब ने गाया था और उसको लिखा था अटल जी ने। मैंने पहले तो मुझे पता नहीं चला कि ये किस महानुभाव ने लिखा है। सर मैं समय ज्यादा तो नहीं लेने तो मैं चलता गया। अचानक मैंने देखा ये लिखा किसने, जिसमें यद्यपि वर्ड आता है, हर एक वर्ड जो है मुलायम है, कोई वर्ड के ऊपर कुछ ओवर स्ट्रेस नहीं है, एवरीथिंग सो गुड। मैंने देखा अटल जी, मैंने अपनी गाड़ी को मोड़ा, मैं सीधा तारा जी के पास गया, शी वॉज एडिटर ऑफ स्क्रीन, और मैं अपनी ज्यूरी के चार मेंबर से मिला। विशाल भारद्वाज जी, ही वॉज वन ऑफ द ज्यूरी मेंबर। मैंने कहा बॉस या तो अभी मीटिंग कर लो, 2 मिनट की मीटिंग होगी, उसके बाद से वो कॉफी पिए। उसने फौरन से मीटिंग रखवाई, बोले कहिए। मैं कहा सर ये कैसेट ये मैंने सुनी है, और मेरे ख्याल से इस कैसेट के सामने, इस लिखाई के सामने, इस लिरिक्स के सामने जितने भी शायर हैं इस साल में कोई भी आगे नहीं आ सकता। उसमें गुलजार साहब भी थे और वो महान शायर हैं, कमाल की लेखनी है उनकी। लेकिन वो अवार्ड, उस वक्त उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन गोयनका साहब गए थे दिल्ली में और जाके उनको शॉल और वो अवार्ड दिया गया। दैट वाज स्क्रीन अवार्ड। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, एमपी हैं, कीर्ति आजाद साहब। कीर्ति आजाद साहब मुझे उनके घर लेके गए, अटल जी के घर लेके गए। मैंने कहा यार एल्बम रिलीज करनी है, उसका नाम था ओए बोल मिट्टी दिया बाबिया, ये नाम था उसका। क्योंकि कुछ जमाने ने ट्रांजिशन दी थी और हमने कहा कि कुछ एक एल्बम भी की जाए, तो मैंने उनको एल्बम अपनी प्रेजेंट की। मैंने गाना तो गा दिया, बोल मिट्टी दिया बाबिया, तेरे दुखा ने मार भुका लिया, मेरा सोना माही आजा हो, बूहे अगे लावा बेरिया, कल्ला घर घर होण तेरिया मेरिया, मैंने शक्ल विखा जा आजा हो। अटल जी ने वो गाना सुना, सारे गाने सुने, अपनी सहमति दी, आशीर्वाद दिया। अब जो मैं बात कहना चाह रहा हूं आपसे, मुझे पता नहीं था कि बोल मिट्टी दिया बाबिया का संदर्भ क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि क्या है। मुझे उन्होंने बोला कि आपको पता है इस गाने की पृष्ठभूमि क्या है? मैं कहा नहीं सर। अब उन्होंने, ये मोमेंट है जहां मैं गा सकता हूं, इजाजत है? कुछ साउंड वाले हैं बाबा? वो कुछ इस तरह से था, ओए बोल मिट्टी दिया बाबे आवे तरे,
तेरिया मेरिया वह मनु शक्ल विखा जा हिंदी में लिखने वाले एक कवि एक शायर वो पंजाबी के बारे में बताना है। बोले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब हिंदुस्तानी लोग हिंदुस्तानी सेना बाहर गई थी, जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, तो उस वक्त पंजाब से जितने भी जवान गए थे बाहर, जितने भी गए थे, उनकी बीवियों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद वापिस ना आए, महायुद्ध है। ये बकौल अटल जी के, तो वो एक मिट्टी का बाबा बनाती थी, उससे बात करती थी मिट्टी के बाबे से। अब आप इसको फिर देखिए, मिट्टी का बाबा बनाया, और कहते हैं कि बोल मिट्टी दिया बाबिया, तेरे दुखा ने मार मुका लिया, मेरा सोना माही आजा हो, बूहे अगे लावा बेड़िया, दरवाजे के बाहर बेड़िया लगाऊं, बूहे अगे लावा बेड़िया, गला घर घर होन तेरिया बेड़िया, मैनू शक्ल विखा जा आजा हो। ये वो बोलते जा रहे थे और उनकी आंखों में नमी थी। बोले ये इसकी पृष्ठभूमि है, ये लोगों के डीएनए में पहुंचा हुआ है, उस जनरेशन के, उसकी बाद की जनरेशन के, हर दशक में जितनी भी जनरेशन आती है उनमें से एक परसेंटेज लोग हैं वो इसको गुनगुनाते हैं, बोल मिट्टी दे बाबिया। ये मेरी तीन मुलाकातें थी। आज मैंने अपने फेसबुक पे यही जो तस्वीर मुझे भेजी गई थी पोस्टर, थैंक्स टू शेखर जी, के मैं उसके नीचे लिखा, पता नहीं लाइनें आती हैं, अवतरित होती है, एक आमद होती है, वो मैंने लिखा कि हिज एब्सेंस इज बेटर देन हिज प्रेजेंस। ये बहुत बढ़िया बात कही आपने, हो गई, ये आ गई, हिज एब्सेंस इज बिगर देन हिज प्रेजेंस। कितने लोग माया जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वहां पे जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद कितने लकी हैं कि उनकी जो जो हर नदी में वो गई है, वो कण गए हैं, वो कर गए हैं, वो हमको आशीर्वाद है। एंड आई विश एंड आई वॉन्ट कि इतने अटल और आ जाए हमारे देश का उत्थान। चला गया और अपने शब्दों की प्रचंडतम ज्वाला से पत्थर को पिघलाने वाला, पत्थर को पिघलाने वाला चला गया कि जिसका तन मन जीवन परिचय हिंदू था, जिसका तन मन जीवन परिचय हिंदू था, जो शांति सद्भाव का चरम बिंदु था, और दृढ़ निश्चय था जिसका अटल हिमालय सा, और जो उदारता में अघात महासिंह, जिसका तन मन जीवन परिचय हिंदू था, जो शांति सद्भाव का चरम बिंदु था, दृढ़ निश्चय था जिसका अटल हिमालय सा, और जो उदारता में अगाध महासिंधु था, वो सबको गले लगाने वाला चला गया, सबको गले लगाने वाला चला गया, गीत नया नित गाने वाला चला गया, और अविरल काल कपाल पे निज अंतर मन से लिख कर स्वयं मिटाने वाला, जिसकी वाणी में था ओज दिवाकर सा, कि जिसकी जिसकी वाणी में था ओज दिवाकर सा, संयम का जो था प्रतीक महासागर सा, राजा था
हर दिल पर जिसकी सत्ता थी और जीता था जो फिर भी मस्त कलंदर सा, जिसकी वाणी में था ओज दिवाकर सा, संयम का जो था प्रतीक महासागर सा, राजा था हर दिल पर जिसकी सत्ता थी और जीता था फिर भी वो मस्त कलंदर सा, स्वाभिमान समझाने वाला चला गया, रघुकुल रीत निभाने वाला चला गया, और सिद्धांतों से समझौता ना करके वो सिंहासन ठुकराने वाला, स्वाभिमान समझाने वाला चला गया, रघुकुल रीत निभाने वाला चला गया, और सिद्धांतों से समझौता ना करके वो सिंहासन ठुकराने वाला चला गया। अंतिम बंद देखिएगा कि सभी जानते थे, सभी जानते थे ये वचन निभाता है, और सभी जानते थे कि ये वचन निभाता है, और सभी जानते थे ये वचन निभाता है, और संघर्षों से इसे जूझना आता है, सभी जानते थे ये वचन निभाता है, और संघर्षों से इसे जूझना आता है, और कहा था जिसके विषय में खुद ने रुचि ने कि ये कल के भारत का सभी जानते थे यह वचन निभाता है, संघर्षों से इसे जूझना आता है, और कहा था जिसके विषय में खुद नेहरू जी ने कि ये कल के भारत का भाग्य बदलता है, वो करगिल विजय दिलाने वाला चला गया, वो शत्रु शीश झुकाने वाला चला गया, और परमाणु विस्फोट से सारी दुनिया में हिंद की गूंज सुनाने वाला।